पूरे भारत में बंद का असर दिन चढ़ने के साथ साथ और तेज होता जा रहा है। जगह जगह हिंसक घटनाएं हो रही हैं, लोग प्रदर्शन कर नारेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच आंदोलन का असर राजनीति गलियारों में भी देखने को मिलने लगा है। जहां एक तरफ SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने BJP और संघ पर दलितों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। राहुल ने ट्वीट करते हुए कहा कि दलितों को भारतीय समाज के सबसे निचले पायदान पर रखना RSS BJP के DNA में है। जो इस सोच को चुनौती देता है उसे वो हिंसा से दबाते हैं। हजारों दलित भाई बहन आज सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार से अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर रहे हैं। जैसे ही राहुल ने ट्वीट किया तो जवाब देने में देरी न करते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिलने में देरी का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि उन्हें कांग्रेस ने भारत रत्न क्यों नहीं दिया। उनका देहांत 1956 में हुआ, लेकिन उन्हें सम्मान 1989 की VP सिंह सरकार में मिला, जिसे BJP का समर्थन था। साथ ही उन्होंने कहा कि BJP और नरेंद्र मोदी सरकार की प्रतिबद्धता दलितों और आदिवासियों के कल्याण के प्रति है। हमारी सरकार में सबसे ज्यादा दलित सांसद हैं। वहीं आंदोलन को तेज होते देख यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि पुनर्विचार याचिका दाखिल की जा चुकी है। साथ ही उन्होंने लोगों से भारत बंद के नाम पर कानून व्यवस्था खराब न करने की अपील भी की।